जरा क्वेश्चन को समझना यार, जरा ठीक है ना, बाद में पढ़ लेना बुक से। देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक्स और वाई दो पार्टनर्स थे, उनका रेशियो कितना था? 2:1। अच्छा, इन लोगों ने ट्रांजेक्शन किए होंगे, ट्रांजेक्शन को जर्नल और लेजर में लिखा होगा, और लेजर पर्सनल, रियल, नॉमिनल, डायरेक्ट, नॉमिनल, और एक और कैटेगरी होती है नॉमिनल रिलेटेड टू पार्टनर्स। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन में इस इंफॉर्मेशन के बाद सीधा ये ट्रायल बैलेंस दे रखा है बुक के अंदर, और इस ट्रायल बैलेंस के अंदर देखो क्या क्या दे रखा है, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, स्टॉक, परचेज, सेल वगैरह वगैरह वगैरह, और कुछ इंफॉर्मेशन नीचे भी दे रखी है। ये इंफॉर्मेशन इस तरह से आपने पहले भी देखी है कहीं, ये भी हाँ 11th में आपने देखा था। 11th में एक चैप्टर था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट, उसमें ट्रायल बैलेंस और नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन देता था। तो इस क्वेश्चन को यहाँ क्यों दे दिया, क्योंकि वो आपको वो 11th का लास्ट चैप्टर था, उसी से 12th को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ आ रही है मेरी बात? तो यहाँ पर देखो ज़रा एडजस्टमेंट क्या क्या दे रखी है आपको। एक तो क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट दे रखी है, एक बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन दे रखा है, एक आउटस्टैंडिंग रेंट। यार ये दोनों चीज़ें आपको नहीं लग रहा ये पार्टनरशिप डीड की हैं? ये दो इन्फॉर्मेशन पार्टनरशिप, इन दोनों का यूज पता है कब पड़ेगा, और इसका यूज भी इसी के अंदर पड़ेगा, और ये जो बाकी की तीन है इनका यूज या तो ट्रेडिंग में या पी एंड एल में पड़ेगा। बात समझ आ रही है? आओ जरा देखते हैं क्वेश्चन को कैसे किया जाए, आप लोग ही बताएंगे क्वेश्चन को करना कैसे है। सबसे पहले क्या करूं, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट क्या इसके अंदर ओपनिंग है ना, ये रहा ओपनिंग स्टॉक, कितने का है ओपनिंग स्टॉक, यहाँ आ जाएगा हाँ या ना। उसके बाद परचेजेस, और परचेजेस यहाँ आ जाएगी, सेल्स यहाँ पर आ जाएगी। कोई टेंशन है तो बताओ, आगे बढ़ो, जो जो होता जा रहा है उसे काटते जा रहा हूँ मैं, ठीक है। और बताओ इसके अंदर और भी कुछ जाता था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो वाले होते हैं जो माल को बनाने में खर्चा हम करते हैं, क्या इसके अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं? देखो इसके अंदर कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा नहीं है ना, तो सीधा सीधा यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, क्या बात कर रहे हो, अभी ये भी तो रह गया क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखा जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक एक बार बैलेंस शीट के अंदर भी आएगा, क्योंकि बचा हुआ माल आपकी एसेट है। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पर लेकर आओगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया। इसके बाद इसमें से आपको क्या ढूंढने हैं, नॉमिनल इनडायरेक्ट, नॉमिनल डायरेक्ट उठा लिए, अब नॉमिनल इनडायरेक्ट उठाओ। इनडायरेक्ट में क्या क्या है देखो, कैपिटल बैलेंस शीट का आइटम, ये बैलेंस शीट का आइटम, ड्राइंग्स बैलेंस शीट का आइटम, ये भी बैलेंस शीट का, डेटर क्रेडिटर, बिल्डिंग, कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट, सैलरीज, सैलरीज यहाँ लिखेंगे टू, क्या सैलरी की एडजस्टमेंट है, नहीं है कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सैलरी सीधा सीधा बाहर वाले कॉलम में लिख देंगे सैलरी का। रेंट, रेंट की एडजस्टमेंट है, कह रहा है आउटस्टैंडिंग कितने का है, 2400 का, तो आप इस रेंट को पहले यहाँ पर लिखेंगे अंदर 26000, और इसके साथ ऐड कर दोगे आउटस्टैंडिंग कितने का है 2400 का, 2400 ऐड करके रेंट बाहर आ गया, और जो रेंट आउटस्टैंडिंग है वो लायबिलिटी के अंदर चला जाता है। कोई परेशानी, आगे उठो, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये भी आ गया, क्या कुछ और है, हाँ डेप्रिसिएशन। अच्छा ध्यान रखना है, इसका ट्रीटमेंट हमने कर लिया, इसका ट्रीटमेंट कर लिया, अब रह गया डेप्रिसिएशन, किसका है वो, अच्छा बिल्डिंग खुद कितने की है, तो पहले इस बिल्डिंग को हमें यहाँ लाना पड़ेगा, और इसमें से डेप्रिसिएशन हटा दो कितना, 60000, तो बिल्डिंग बाहर आ गई, और डेप्रिसिएशन यहाँ पर आ जाएगा कितने का, 60000। उसके बाद यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, टू नेट प्रॉफिट मिल जाएगा टोटल करने के बाद। कोई परेशानी,
अच्छा, इसके बाद मैं क्या करूँ, इस नेट प्रॉफिट को मैं यहाँ पर लेके आऊँगा। अब इसको बांटने के लिए मुझे क्या चाहिए? पार्टनरशिप। मेरे को लग रहा है दो चार बच्चे मज़ेदार जवाब दे रहे हैं। सबसे बेस्ट आंसर अगर आ रहे हैं वो अक्षरा के आ रहे हैं। सबको आती हैं चीज़ें, प्लीज़ आप टेंशन मत लो यार, थोड़ा फ्रेंक रहो यार क्लास में ना, ठीक है? रिजर्व रहने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है? इस प्रॉफिट को बांटने के लिए मुझे चाहिए पार्टनरशिप डीड। और पार्टनरशिप डीड की क्या क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर? एक ये रही और दो ये रही। अब बताओ करूँ क्या? अच्छा, बैलेंस शीट के बाकी आइटम उठवा लें ज़रा हम। सबसे पहले इसका क्या होगा? बैंक ओवरड्राफ्ट का। बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पर आ जाएगा लाइबिलिटीज़ के अंदर। तू भी गया, कैश भी गया। क्या कुछ और बचा है? डेटर और क्रेडिटर, ये दोनों चले जाएंगे। डेटर्स यहाँ पर आ जाएंगे और क्रेडिटर्स यहाँ पर आ जाएंगे। ये भी हो गया। मैं इस तरह से क्रॉस क्रॉस पता है क्यों लगा रहा हूँ? ये सब आपने किया हुआ है, मैं तो सिर्फ दो चार चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। इसके अलावा कैपिटल और ड्राइंग रह गई। आप क्या करते थे पता है? 11th में थे, इस कैपिटल को यहाँ लिखते थे और ड्राइंग को उसमें से माइनस कर देते थे। यहाँ आप इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं करेंगे तो फिर क्या करूँ? ये कौन सी कैपिटल है पहले मुझे ये बताओ तुम, जो यहाँ लगाई थी या जो बीच में भी लगाई थी, वो सारी मिला के आई है। ये कैपिटल का आज का बैलेंस है या पीछे का कोई बैलेंस है? ये आज का बैलेंस है ना, हाँ या ना? और ये वो पैसा है जो रास्ते में उन्होंने निकाला। इस कैपिटल को आप बैलेंस शीट में लेके जा सकते हैं, हाँ या ना? लेके जा सकते हैं। फिर ड्राइंग उसमें से माइनस करनी पड़ेगी। आपको ऐसा करना नहीं है तो करना क्या है? सुनो, आप उस कैपिटल को उठा के वापस अपने उसके लेजर में ले आओ। कैसे लिखूं बताओ? लेजर में आप यहां लिखेंगे बाय बैलेंस। ब्रॉट डाउन क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि इसका क्लोजिंग बैलेंस वहां गया था, तो जब मैं उसे वापस लेके आऊंगा तो ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। बात समझ आ रही है? कितना दे रखा है? 3,02,000 और 2,00,000। अब वो जो ड्राइंग्स तुम वहां माइनस करने वाले थे उसे यहां पर लिख दो। टू ड्राइंग्स कितना? 40। और एक बच्चा कहता है इसको यहाँ लाए क्यों हो, ये बताओ पहले। तो कह रहा है इसको डायरेक्ट बैलेंस शीट में ले जाओ और इसको बैलेंस शीट में से माइनस कर दो कैपिटल में से। कह रहा लाए क्यों हो, क्या कोई बता सकता है मैं यहाँ क्यों लाया हूँ इसे? मैं ये लेजर दोबारा क्यों ओपन कर दिया मैंने? ये कोई नहीं, कोई आवाज़ आए तो रही। हाँ बिल्कुल, अभी मैं इसका जब प्रॉफिट बांटूंगा तो ये कैपिटल और बढ़ जाएगी, तो उस कैपिटल को मुझे बढ़ा के दिखाना तो पड़ेगा। तो मैं कैपिटल अकाउंट मैंने दोबारा खोल दिया। अगर यहाँ पर मुझे ये प्रॉफिट ही नहीं हुआ होता, ना प्रॉफिट होता ना लॉस, तो मैं फिर पता है क्या करता? फिर मैं इसे बना के करता क्या? इसका कोई फ़ायदा थोड़ी था। फिर मैं सीधा सीधा इस कैपिटल को यहाँ लाता और इस ड्राइंग को इसमें से माइनस कर देता। पर फिलहाल मेरे पास क्या है? प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट को जब मैं बांटूंगा तो ये कैपिटल चेंज हो जाएगी। क्या करूं बताओ? अब आप इनको देना शुरू करो। सबसे पहले मैंने इनको क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जर्नल एंट्री बताई थी मैंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स की कैपिटल टू इसकी पोस्टिंग करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से नया लेजर खुल जाएगा, इसमें पोस्टिंग हो जाएगी। और दूसरी पोस्टिंग कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अमाउंट आ जाएगा, हाँ या ना? फिर मैंने एक एंट्री और बताई थी इस लेजर को बंद करने की, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन। इस एंट्री की पोस्टिंग बताओ। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में यहां पर क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और दोनों का टोटल बाहर आ जाएगा। ये लाइन नहीं लगानी है आपने, लाइन यहाँ लगानी है। अच्छा, इसकी एक पोस्टिंग हो गई और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लेजर में यहाँ पर आ जाएगा बाय और ये लेजर बंद हो जाएगा, हाँ या ना? अगला और क्या देना है मैंने उन्हें? इसके अलावा
सैलरी केवल एक्स को देनी है, बताओ बेटे। जर्नल एंट्री, क्या बात कर रहे हो यार, सैलरी अकाउंट डेबिट टू एक्स की कैपिटल कैश, अब वो भी डेबिट कर रहे हो। कैश डेबिट तब होता है जब पैसा आता है, यहाँ किस चीज़ का पैसा आएगा, कितनी सैलरी देनी है। इस एंट्री की पोस्टिंग करो सैलरी के लेजर में, यहाँ सैलरी का लेजर खुलेगा, इसमें लिखेंगे टू एक्स और एक्स में लिखेंगे बाय सैलरी 48। फिर सैलरी का लेजर बंद करने की एंट्री, P&L appropriation account debit to salary 48,000। इसकी पोस्टिंग करो, P&L appropriation में क्या लिखेंगे, to salary x में 48 और दूसरा सैलरी के लेजर में क्या लिखेंगे, बाय P&L लेजर बंद हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, प्रॉफिट बांट दो, कौन सा प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट। हाँ देवांशी बताओ, यहाँ पर प्रॉफिट निकलेगा, मान लो ये 200,000 है, ऐसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और मान लो ये वाला 60,000 है और ये वाला ये तो तुम्हारे सामने ये 48 है, तो यहाँ का प्रॉफिट कितना आएगा, 200,000 में से इन्हें माइनस कर देंगे, हाँ या ना। तो बेटे इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 92,000। उस 92,000 को बांटेंगे ना, कैसे बांटोगे, 2:1 में। जर्नल एंट्री बताओ, किस किस को आती है, वाह रे वाह, आदत ही नहीं है लॉजिक से पढ़ने की, आदत पड़ी हुई है बस, जो टीचर ने कह दिया यहां से सुनो, ओहो, बढ़िया, बड़ा अच्छा लगा, बस छोड़ दो, अभी सुनेंगे बाहर जाते ही गोली, सब साफ। कौन बोल रहा है, नहीं भाई मैंने पूछा ही नहीं तुमसे, किस किस को आता है हाथ उठाओ। इस प्रॉफिट को बांटने की जर्नल एंट्री गधों में बता के आया हूँ, 4-5 बच्चों के हाथ ऊपर है, 1, 2, 3, 4, 5। श्रद्धे ये कौन सा बैलेंस है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का नालायक, क्रेडिट है ना, शाबाश। अरे श्रद्धे नाम है इसका, P&L अप्रोप्रिएशन को डेबिट कर दो क्योंकि उसका बैलेंस क्रेडिट है, और टू एक्स कैपिटल एंड टू कितना बैलेंस मैंने लिया है वहाँ पर 90, उसे इस रेशो में जब तुम बांटोगे तो दो अमाउंट आ जाएंगे। इस एंट्री की पोस्टिंग करना, PLA में क्या लिखोगे, टू पार्टनर्स कैपिटल एक्स और ब्रैकेट में लिखेंगे डिविजिबल और दोनों में अमाउंट आ जाएंगे, और कैपिटल अकाउंट भी तो है इसके अंदर, बाय PL दो अमाउंट आ गए। इसके बाद क्या करूं, अब आप कैपिटल अकाउंट का नया बैलेंस निकालेंगे, नया बैलेंस कैसे निकालूंगा, पहले मैं इनका टोटल करूंगा, फिर इन दोनों टोटल्स को मैं यहां लेके आऊंगा, फिर इन दोनों में से इन्हें यहां पर जो निकलेगा इसे क्या कहूंगा, टू व्हाट इज दिस, बताओ ये है क्या, क्या है ये, नई कैपिटल्स, वो कैपिटल्स जिसके अंदर प्रॉफिट एडजस्ट हो गया है। अब आप इन दोनों कैपिटल्स को उठाकर सीधा बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। अब आपको समझ आ रहा है कि मैं इन्हें यहां पर क्यों नहीं लाया, क्योंकि इनके अंदर अभी प्रॉफिट ऐड नहीं हुआ था। हाँ, होना है, ये सही है। तो पहले मैं इन्हें यहां से यहां लाया, फिर इनके अंदर प्रॉफिट जोड़ा और यहां से ड्रॉइंग्स माइनस करी, क्लोजिंग कैपिटल मिली, क्लोजिंग कैपिटल नीचे चली गई। ये मुझे पता है, इससे ज्यादा घटिया हैंडराइटिंग हो नहीं सकती है, आई नो दैट। तुम्हारी है क्या, थैंक यू मुझे मोटिवेट करने के लिए। पॉइंट समझ आ गया, आगे चलूं, नहीं। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको ये क्वेश्चन करना है घर से, आपको क्या करना है अब वो सुन लो, और अगर आपने वो किया ना जो बुक में हो रखा है तो मैं छोड़ूंगा नहीं आप लोगों को। आप लोगों को क्या बनाना है, सबसे पहले आपको क्या बनाना है, फिर क्या बनाना है, फिर क्या बनाना है, फिर क्या बनाना है, 9। फिर इसके बाद आपको ये 4 नंबर पे ये बनाना है, और 5th नंबर पे बैलेंस शीट बनेगी। अब बुक में क्या हो रखा है सुनो, बुक में 1, 2, 3 और ये 4 है,
बुक में ये नहीं बना रखा है, तो उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने इसी के अंदर कैपिटल को प्लस माइनस करके एडजस्ट किया हुआ है, मुझे नहीं चाहिए वो। समझ आ गया है? ये क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा, ठीक है? आगे चलते हैं। जरा एक बार क्वेश्चन पढ़ना। तो बेटा बुक आप में से कोई नई बुक कौन लेके बैठा हुआ है? हाँ, आप होमवर्क मार्क करते जाना साथ साथ, फिर लास्ट में मुझे बता देना क्या फाइनल हुआ है। क्वेश्चन रीड करो। हाँ देखो, कह रहा है गिरीश और सतीश दो पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल 1 अप्रैल 2018 को, हाँ गिरीश की कितनी कैपिटल थी और सतीश की कितनी थी? इस भाई की तो थी 5,60,000 और इसकी कैपिटल थी 4,75,000। उसके बाद क्या कह रहा है, 1 अगस्त 2018, 1 अगस्त यहाँ पड़ेगा या यहाँ पड़ेगा भाई? ये तो शुरू में ही तो पड़ेगा। हाँ 1 अगस्त 2018 क्या हुआ यहाँ पर? कह रहा है दोनों ने डिसाइड किया कि अब हमारी कैपिटल 5,50,000 रुपए होगी। नमन आलस में बैठा हुआ है, बताइए क्या करेंगे? मैंने ना तुझको खड़ा कर देना क्लास में। यहां पर वो क्या करेंगे? क्या मैंने बहुत ज़्यादा टेक्निकल सवाल पूछ लिया क्या? हाँ श्रद्धे क्या करेंगे यार? गिरीश अपनी कैपिटल विड्रॉ कर लेगा। ये है हमारा बच्चा, ये है बढ़िया वाला। तो गिरीश यहाँ पर कितने पैसे निकालेगा? 60,000 रुपये मैं माइनस कर रहा हूँ। और सतीश क्या करेगा? सतीश इसके अंदर कितने ऐड कर देगा? प्लस 25,000। हाँ या ना? क्वेश्चन में कोई और चेंज? कोई और चेंज नहीं है। कह रहा है द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग, जो कि किसने किया है? सतीश ने। और बाय जो कि किसने किया है? गिरीश ने, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रहेगा? डिसाइड तो यहीं पर हो गया होगा, 6% पर देंगे यहां पर। हाँ या ना? हाँ। कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31/3/19। दे देंगे इंटरेस्ट, कोई टेंशन थोड़ी है, ये तो दिवांशी बता देगी। बता दो बेटे यहाँ से लेके यहाँ तक का इंटरेस्ट कितना रहेगा गिरीश का, बताओ तुम पहले मुझे। सिक्स परसेंट किस अमाउंट पे? क्या सच में मुश्किल सवाल करता हूँ क्या मैं? किस किस को आता है? हाँ 60,000 पे। माय गॉड, किस किस को आता है हाथ उठाना तो जरा? एक जॉयल को नहीं आता, एक दिवांशी को नहीं आता और एक नमन को नहीं आता। हाथ नीचे कर लो भाई। नमन ट्राई कर सकते? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दोगे पार्टनर को? अरे भैया गिरीश का यहाँ कितनी कैपिटल थी और गिरीश की कैपिटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी रही? 5,60,000 ही रही। इसके बाद गिरीश ने 60,000 रुपये निकाल लिए तो उसकी कैपिटल 5,00,000 हो गई होगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो 5,00,000 ही रही है। तो 4 महीने का इंटरेस्ट अलग देंगे और 8 महीने का इंटरेस्ट अलग देंगे। तो बताओ पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हाँ अप्रैल से लेके अगस्त और फिर सितंबर से लेके, हाँ बताओ 5,60,000 और यहाँ कितनी थी? 5,00,000 इंटू परसेंटेज कितनी है? 6/100 6/4/12 और 8/1 अमाउंट इससे मिल जाएगा, 1 अमाउंट इससे, दोनों का टोटल कर दो। ये क्या आ जाएगा यहाँ पर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड टू
गिरीश सर, हाँ अप्रैल टू जुलाई नहीं आएगा? अप्रैल टू, यस यू आर राइट, अप्रैल टू जुलाई, एक मिनट, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर आएगा अगस्त से लेके मार्च, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा सतीश का अगर मैं करूँ, अब तो बता दे, देखो दोस्त अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी और आपकी जर्नी ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली, ये गारंटी है मेरी, क्योंकि इतना बेसिक, बहुत बेसिक है ये जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप बताइए क्या करूँ यहाँ पर, बताओ। अब मैं क्या पूछ रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका, बताओ कैसे करेंगे। 4,75,000 4/12 ओके, इंटू 6/ ओके, एक तो ये आ गया, हाँ 5 लाख 8/12 इंटू 6/ और दोनों से एक अमाउंट मिल जाएगा, उन्हें आपस में ऐड करना है। स्टेटमेंट ऐसे ही, ये भी लिखना है आपको और ये भी लिखना है ऐसे ही, ठीक है, आसान है। क्या ये होमवर्क लायक है? हैं, दो थप्पड़ मार के भक्त, तेरे को होमवर्क में करेंगे हम, इसकी औकात नहीं है इतनी, है या ना। आगे बढ़ते हैं, हाँ ज़रा क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखना ज़रा। एक्स वाई और जेड बताओ बेटे, शुरू में कितनी कैपिटल थी इस भाई की? 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख। कह रहे 1 जुलाई 2000 यहाँ पर क्या हुआ है? कह रहा उन्होंने 1,80,000 और प्लस 1 लाख प्लस 80,000 और प्लस 50,000 इन्होंने ये कर दिया। और फिर 1 फरवरी को, 1 फरवरी यार यहाँ पर आएगी, क्या हुआ है? एक्स ने तो कुछ नहीं किया और जेड ने भी कुछ नहीं, वाई ने 15,000 रुपये कैपिटल में से निकाल लिए, लिखा है क्लियरली कैपिटल में से निकाल लिए। हाँ देवांशी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ, तीनों में से किसका बताना चाहते हो तुम? एक्स का ही बताओ यार, सिस्टम से चलेंगे ना। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज कितना है? 8% है। यहां लिखो, हाँ 5 लाख इंटू 8/100 वेरी गुड 3/ अच्छा एक्स की कैपिटल में बस एक बार यहाँ से यहाँ पर चेंज हुआ है बस, उसके बाद तो कोई चेंज नहीं किया, मतलब 3 महीने की कैपिटल 5 लाख है और 9 महीने की कैपिटल 6 लाख है, हाँ या ना। तो यहाँ 6 लाख इंटू 8/100 इंटू 9/ तो दोनों से जो अमाउंट आएगा इसका टोटल कर देना, हाँ या ना। नमन वाई का बताओ, हाँ 4 लाख इंटू 8/100 3/12 ठीक है। आगे उसके बाद इसने यहाँ पर कितने और जोड़ दिए, तो कैपिटल हो गई इसमें 80 जोड़ दो, 4 लाख इंटू 8/100 इंटू, बेटे यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे मारूंगा पकड़ के, हाँ 7/12 फिर उसके बाद उसने 15,000 निकाल लिए तो कैपिटल कम हो गई होगी ना, इंटू 8/100 इंटू टोटल महीने कितने हो जाने चाहिए? 12, 3 और 7 10 और 2 तो 12। अगले का ये हमें कौन बताएगा, ये हमें बताएगा कौन, बताओ बेटे, नहीं आप बताइए।
3 लाख इंटू 8/100 इंटू 3/12। हाँ, ये वाला हिस्सा सेम ही रहेगा। यहाँ पर कितना होगा, 50,000 इसमें ऐड कर दो, 3,50,000। होमवर्क में रखें? नहीं, पक्का नहीं? ठीक है, नहीं रखेंगे। तुझे भी नहीं रखा, जाओ। मैंने पहला भी हटा दिया, मत करना। वैसे मेरे हिसाब से आपको पहला क्वेश्चन करना चाहिए, नहीं करोगे तुम्हारी चॉइस है, ठीक है। जिनको लगता है ना कि हमें कंसेप्ट अच्छे करने हैं, उन्हें फास्ट क्वेश्चन करना चाहिए, सही है। आगे चलते हैं। वाह वाह वाह, वो तो फिर महान है, वो क्या कर रहे हैं धरती पे। अगला, हम ये क्या है भाई, हम लोग एक बार क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग। दो बताए थे, फ्लक्चुएटिंग और fixed. हाँ, एक बार फिर से मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, एक मिनट लगाऊंगा बस। फ्लक्चुएटिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है, एक ही अकाउंट बनता है पार्टनर्स के लिए। कौन सा पार्टनर्स का? कैपिटल अकाउंट। देखो जरा इसके अंदर क्या होता है, जब भी मैं पार्टनर को कुछ देना चाहूं, जैसे मैं यहां पर क्या क्या दे रहा हूं उन्हें, ये तीन चार चीजें मैं उन्हें दे रहा हूं, और तो और मैं उन्हें प्रॉफिट भी दे रहा हूं, ये रहा। तो जब मैं सब कुछ दे रहा हूं, तो मैं उनकी कौन सा अकाउंट क्रेडिट कर रहा हूं, हर बार मैं उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर रहा हूं। ऐसा करने से क्या होगा, ये सारे आइटम कहां चले जाएंगे, ये सारे आइटम कैपिटल अकाउंट के अंदर चले जाते हैं, हाँ या ना। और इसके अंदर येलो वाले आइटम क्या हैं, कैपिटल नेचर आइटम है, और ग्रीन वाले क्या हैं, ये हैं रेवेन्यू नेचर आइटम्स। तो इसके अंदर क्या होता है, कौन सा सिस्टम है ये, फ्लक्चुएटिंग सिस्टम। फ्लक्चुएटिंग सिस्टम के अंदर कैपिटल नेचर आइटम और रेवेन्यू नेचर आइटम इकट्ठा एक ही साथ मिलके रहते हैं, हाँ या ना। बेसिकली ये वाले जो आइटम है ना, प्रॉफिट नेचर वाले, ये हमारे कैपिटल का बैलेंस चेंज कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। बात समझ आ रही है? तो फ्लक्चुएटिंग सिस्टम के अंदर केवल एक ही अकाउंट बनाया जाता है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। आओ, ये है क्वेश्चन अगला, 4 है ये आपका, 4 का बेटा देखना, ये ए है बी है कौन सा है? ये 4th का ए है ना, हाँ ठीक है। आओ, पहले ना आप लोग क्वेश्चन को बहुत ढंग से समझ लो, ठीक है। इसके अंदर ये है आपकी बुक में दिया हुआ क्वेश्चन, इस हिस्से में मैंने क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है, और इस ग्रीन वाले हिस्से के अंदर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सही है ना। आओ देखो, कह रहा है ऑन 1st अप्रैल 2018 क्या लिखा है, ए एंड बी बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तो भाई यहां पर एंट्री ये वाली डलेगी, बिजनेस पुराना नहीं है, बिजनेस नया शुरू हुआ है, एंट्री यही होगी। कितनी कैपिटल लगाई है, 6 लाख, और तो ये टोटल 8 लाख रुपए इनके बिजनेस में आए होंगे कैपिटल के नाम के। आगे पढ़ो, 31 मार्च 2019 को यहां पर क्या हुआ, नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 2,40,000, वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना डिसाइड हुआ था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% डिसाइड हुआ था, और बी को सैलरी मिलनी थी 60,000, वो भी पर एनम, ये बी की सैलरी मैंने लिख दी। ये सारी बातें यहीं पर डिसाइड हो गई थी, और ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ए एंड बी कितनी थी, ये कौन सी ड्राइंग है, कैपिटल में से या प्रॉफिट में से, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भौंक नहीं रहा है, और जब भी क्वेश्चन कुछ ना भौंके ड्राइंग्स के बारे में, तो हम क्या मान लेंगे कि भैया ये वाली ड्राइंग्स हैं जो प्रॉफिट में से निकाली गई है। और अगर कोई पार्टनर प्रॉफिट को टाइम से पहले निकाल लेता है, तो हम उससे इतने टाइम का यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, कोई नहीं रोक सकता। बस ये वाली बात मैंने कहाँ बताई थी, अकाउंटिंग ट्रेल के अंदर, याद है, अकाउंटिंग ट्रेल के अंदर मैंने बताया था कि ड्राइंग्स कैपिटल में से भी हो सकती हैं, और तो ये प्रॉफिट में से हुई हैं, और क्योंकि प्रॉफिट पहले निकाला गया है, तो हम उससे इतने दिन का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे जब हम लोग यहाँ पहुँचेंगे। क्लियर है, आगे चलो।
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये क्या है? वो खुद ही कैलकुलेट करके दे रहा है तुम्हें। अब तुम खुद सोचो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए तुम्हें क्या दे रहा है? परसेंटेज कह रहा, खुद निकाल लेना। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में तुम्हें वो अमाउंट दे रहा है। बताओ हमारा काम उसने कम किया या बढ़ा दिया? उसने हमारा काम कम कर दिया। हमारा काम कब बढ़ जाता? अगर वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की हमें परसेंटेज दे देता तो बढ़ जाता, फिर हमें ये इंटरेस्ट खुद निकालना पड़ता। अब क्या तुम ये कहोगे नहीं नहीं हम नहीं मान रहे तेरी, हट, परसेंटेज दे, हम खुद सॉल्व करेंगे, ऐसे बोलो? नहीं, जो दे रखा है सो दे रखा है, उसे फॉलो कर लेना। आगे चलो जरा। Assuming A एंड B आर इक्वल पार्टनर्स, को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। और क्या कह रहा है, क्या मांगा है? P&L appropriation मांगा है और पार्टनर्स का मतलब ये तो मांगी ही नहीं है। हाँ देखो, मैंने खुद ही लिखा है कि मांगी नहीं है, आप लोगों को करनी है, ठीक है, सेवा है, करनी पड़ेगी आप लोगों को। अभी एक दो क्वेश्चन में मैं सेवा कराऊंगा, फिर मत करना होमवर्क के अंदर, ठीक है। आओ क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, क्या किया जाए। इस एंट्री के अंदर 6 और 2, टोटल 8 था। बताओ क्वेश्चन में ये दो अकाउंट मांगे हैं बस आपसे, P&L अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स का कैपिटल, क्या करूं? सबसे पहले इस एंट्री की पोस्टिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर करूं, क्या लिखूं? बाय क्या? बाय बैलेंस नहीं लिख सकते, बिजनेस नया है। अबे गधों, अगर ये कहता कि ए और बी आर ओल्ड पार्टनर्स, पहले से पार्टनर्स हैं, तो आप यहाँ पर बाय बैलेंस BD लिखते। अभी आप बाय बैंक लिखेंगे क्योंकि बिजनेस नया है। खुद ही कह रहा है यार वो, पता नहीं किसी दुनिया में रहते हो तुम लोग। क्या लिखूं? 6 लाख। और अच्छा, उसके बाद इन्होंने रास्ते में कितना पैसा निकाला है? 60। और क्वेश्चन नीचे भौंक रहा था, कह रहा था ना ये रहा 60। और आपको पता है ये जो ड्राइंग्स होती हैं ये यहाँ पर लिख दी जाती हैं, कैपिटल में से कम कर दिया जाता है इन्हें, 60 और 40। उसके बाद इनको ये वाला प्रॉफिट P&L से मिला होगा, P&L से, यहाँ से ये प्रॉफिट उतर के यहाँ पर आ जाता है। इसकी जर्नल एंट्री हमें तुम बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन। तो उसी की वजह से हम यहाँ पर क्या लिखना पड़ता है, बाय P&L ब्रैकेट में हाउ मच? 2,40,000। कोई परेशानी? अब ये प्रॉफिट मिल गया, इसको बांटने के लिए अपने को क्या चाहिए? पार्टनरशिप डीड। डीड में देखो क्या क्या लिखा है, डीड में एक, नहीं ये डीड की बात नहीं है यार, डीड की 1, 2, 3, ये 4 कंडीशन जो डीड में लिखी थी, तो इन चारों को फॉलो कर लो। बताओ सबसे पहले क्या करूं? सबसे पहले उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लो, क्योंकि बाकी सारे आइटम देने वाले हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब तुम उनसे लोगे तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? ए का ड्राइंग अकाउंट डेबिट, बी का ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, पर क्योंकि हमारे पास ड्राइंग्स अकाउंट अभी नहीं है, और ड्राइंग्स इससे पता है क्या होगा, ड्राइंग्स क्या होंगी, बढ़ जाएंगी घट जाएंगी? इससे ड्राइंग्स बढ़ जाएंगी, और ड्राइंग्स का बढ़ना मतलब कैपिटल का घटना। तो क्या करूं? बोलो बोलो, इस एंट्री की पोस्टिंग करो, तो इस कैपिटल अकाउंट के अंदर लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन, कितना अमाउंट तो आया तो था 2,000 और 1,000, टोटल आ गया 3,000। तो यहाँ पर 2,000 और, अच्छा इस एंट्री की वजह से एक नया लेजर खुल गया होगा, इसके अंदर मैंने यहाँ पर पोस्टिंग करी होगी, फिर इस लेजर को बंद करो। इंटरेस्ट, हाँ ये वाला लेजर बंद हो गया 3,000 से, इस एंट्री की पोस्टिंग करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में लिखा होगा टू P&L, और P&L अप्रोप्रिएशन में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नाम क्या रहे, ए और 2,000 और 1,000, टोटल आ गया 3,000। कहानी क्लियर है? हाँ जी, हमने ये वाला काम कर दिया। अगला काम, अब हम उन्हें देंगे इंटरेस्ट ऑन, कितना देना है? 6%। और कैपिटल कितनी है? जर्नल एंट्री यही डलती है,
अमाउंट बताना तो ज़रा कितना आ रहा है, एक का आ रहा है 36,000 और एक का आ रहा है तो टोटल आ गया 48। इस एंट्री की पोस्टिंग करो, एक नया लेजर खुलेगा, इसके अंदर पोस्टिंग ये रही और इसके अंदर कैपिटल का नाम है, तो कैपिटल के अंदर बाय बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36 और 12। फिर एक लेजर, इस लेजर को बंद करो, है कि नहीं। इस एंट्री से क्या होगा, इस एंट्री से ये वाला लेजर बंद हो जाएगा और इसके अंदर आ जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन ए और 36 और 12 48। लो जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का काम भी हो गया। अब क्या है, बी की सैलरी है तो उस एंट्री में बी का नाम ही तो आएगा और कौन सा लेजर खुल जाएगा, सैलरी में क्या लिखेंगे, 2B और बी में लिखेंगे बाय, कितनी सैलरी है यार, 60,000। तो यहाँ बी में आ गया, इसके अंदर ये खाली रहेगा, है कि नहीं। चलो सैलरी का लेजर साथ साथ बंद कर दो, बिल्कुल ठीक है। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में लिखेंगे 2, बी का 60,000 और सैलरी का लेजर में यहाँ करोगे सैलरी का लेजर। देखो ये लेजर आपको बनाने नहीं है शीट पे, पर यहाँ पर चलने चाहिए आपके, अगर कभी बाई चांस क्वेश्चन थोड़ी बदमाशी कर दे, चलो चलो सैलरी वैलरी का लेजर दो, तो तुम क्या कहोगे, कैसे पूछ रहा है, सिलेबस में ही नहीं है, ऐसे बोलोगे। सिलेबस में सब है भाई, कुछ भी मांग सकता है, तो आप लोगों को ये भी आने चाहिए, ठीक है ना। हाँ चलो अब क्या करें, खेल ख़त्म, बिल्कुल। अब हम यहाँ पर इन दोनों के टोटल को इधर लिखेंगे, सिंगल और डबल लाइन, सिंगल और इसमें से इन्हें यहाँ पर अमाउंट आएगा। अच्छा कितना आ रहा है देख ही लेना है, ऐसे बोलते रहोगे सारी चीज़ों का। 240 + 3 - 48 - 60, ये अमाउंट आ रहा है 1,35,000। इसको बांटने की जर्नल एंट्री किस किस को आती है, हाथ उठाओ। चलो नमन बता रहा है, कह रहा मैं बताऊंगा, ये वाला बता, तू बता, किसी से नहीं पूछेंगे, तू कह दे जर्नल एंट्री नहीं होती, खेल खत्म। नहीं तू कह दे, देख लेंगे, तू कह दे बस। अरे कुछ तो कह दे, किस किस को आती है हाथ उठाना ज़रा। यही 3-4 बच्चे हैं लिमिटेड जो नहीं कर रहे हैं परफॉर्म। हाँ ठीक तो है, ये कौन सा बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है, तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर दो ताकि वो बंद हो जाए। और ये कहाँ भेजना है, 2 ए और 2 कैपिटल में, दोनों में अमाउंट आ जाएगा कितना, आधा आधा 67,567। तो जब आप इसकी पोस्टिंग करोगे, करना ज़रा इसकी पोस्टिंग, इसके अंदर लिखेंगे 2 पार्टनर्स, ब्रैकेट में लिखेंगे डिविजिबल, ए और बी दोनों में अमाउंट आ जाएंगे और इसके अंदर भी तो आएगा बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन ब्रैकेट में डिविजिबल, एक अमाउंट इसके अंदर, एक इधर। अब क्या करूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बैलेंस कर दो। तो बैलेंस कैसे करते हैं, अरे भैया बैलेंस कैसे करोगे, एक सिंगल लाइन डबल लाइन, सिंगल लाइन डबल लाइन, इसका टोटल करो, इसका टोटल करो, ये टोटल यहाँ, ये टोटल यहाँ, यहाँ पर क्या निकल जाएगा, टू बैलेंस। ध्यान रखना कोई ज़रूरी नहीं है दोनों बैलेंसेज इधर ही लिखे जाएं, हो सकता है एक का बैलेंस यहाँ और दूसरे का उधर आ जाए, या हो सकता है दोनों के ही, क्योंकि हमारा सिस्टम फ्लक्चुएटिंग है और फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस किसी भी साइड आ सकता है, कारण क्योंकि इसके अंदर प्रॉफिट भी है, लॉस भी है, कैपिटल भी है, सब कुछ अच्छा भी है बुरा भी है। गॉट इट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, इसको देखना। अब मैं अगला लगा रहा हूँ उसको भी देखना एक बार। अब मैं आपसे डिफरेंस पूछूंगा दोनों में डिफरेंस क्या है, और खबरदार किसी ने ये बोला कि पार्टनर का नाम अलग है।
इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में क्या अंतर है? रेशियो। अरे भाई वो तो ठीक है, अरे नालायक, मैं इस क्वेश्चन को क्यों करवाना चाहता हूँ? इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा अलग क्या? यस, उस क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अमाउंट, इसके अंदर परसेंटेज दे रखी है, कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल सेम टाइप का है, डिट्टो। तो होगा कैसे? सुनो, जब तुम ये वाली एंट्री डालोगे ना, इंटरेस्ट वाली, तो यहां अमाउंट कितने कितने लिखोगे ये मुझे पूछना है बस। बोलो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लगेगा? अनुभा ने कितना पैसा निकाला है? 8,500। पर क्वेश्चन में एक गलती है, गलती नहीं है मतलब क्वेश्चन ने कुछ इंफॉर्मेशन छुपाई है आपसे। क्या? यस, कि ये पैसा उसने कब निकाला ये तो बताया ही नहीं तूने, हद कर दी यार, हम कैसे सॉल्व करेंगे, बच्चे ही तो हैं। जब क्वेश्चन साइलेंट हो कि पार्टनर ने जो पैसा निकाला वो कब निकाला, तो आप मान लेना उस भाई ने वो पैसा मिड में निकाला है। तो तुम इंटरेस्ट कितना चार्ज करोगे? 6 महीने, ये वाले 6 महीने या ये वाले 6 महीने? हाँ, अच्छा तुमने ये नहीं बोला, ये वाले मतलब कौन से भी ये वाले, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 6 महीने का। तो बताओ इंटरेस्ट कितना लगेगा यहाँ पर? 8500 का 8500 इंटू 5 बाय इंटू 6 बाय 12, तो जो अमाउंट आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही बात समझ आ रही है, हो जाएगा क्वेश्चन? अच्छा, इसी के अंदर और कोई ऐसी चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? ये इसका रहेगा, ये इजी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तुम दे ही दोगे, क्लोज भी हो जाएगा। सैलरी का क्या करूं? सैलरी कितनी है अनुभा की और काजल की, कितनी है? एक की 700 और एक की, इसको 12 से मल्टीप्लाई और इसको भी, तो वो दोनों अमाउंट इसके अंदर आएंगे और इनका टोटल यहाँ आएगा, फिर ये वाला लेजर क्लोज हो जाएगा। क्वेश्चन में मांगा क्या है देखो जरा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट तो बांट के दिखाना पड़ेगा ही, तो प्रॉफिट को बांटने के लिए क्या चाहिए? P&L, बिल्कुल सेम टाइप का है, हाँ या ना? कर पाएंगे? ये होमवर्क के अंदर रहेगा, जहां पर भी ऐसा चेहरा बना हुआ आ जाएगा वो होमवर्क के अंदर रहेगा। ये है 4th का B, होमवर्क में है, लिखो। किसी का कोई डाउट वाउट है? नहीं बोलेंगे, अभी जाना नहीं है भाई, क्या हो गया? वो ये बैग पैक होने लग गए हैं। चलूं मैं आगे? चलो, इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है? इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है? इसमें देखो क्वेश्चन कितना पागल है, मतलब क्वेश्चन ने तुम लोगों को बेवकूफ समझ रखा है, क्वेश्चन को लगता है कि तुम लोगों के अंदर अकल नहीं है, है कि नहीं है? है ना अकल? तो देखो क्या पागलपंती दिखा रहा है, उसको ये तो बता रहा है कि पार्टनर्स ने कितना कितना पैसा निकाला, पहली बात तो ये नहीं बता रहा कि पैसा, तो हम क्या मान लेंगे ये पैसा मिड में निकाला, ये तो प्रॉब्लम सॉल्व। अगला, इनके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना रहेगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट भी दे रहा है। अब तुम क्या ये परसेंटेज यूज करके अमाउंट निकालोगे या इसी को यूज करोगे? अगर तुमने इसे यूज नहीं किया और परसेंटेज यूज की, तो ये वाला तो अमाउंट फिर बेवकूफ है, क्वेश्चन को पागल समझ लिया तुमने। और क्वेश्चन पागल नहीं है, क्वेश्चन सलमान खान है, जैसा वो बोलेगा वैसा ही होता है, तुम्हें पता है कि नहीं? मोदी जी भी कह सकते आप इन्हें, क्या करोगे? परसेंटेज को इग्नोर करना है, सीधा सीधा अमाउंट उठाओ, अमाउंट इसके अंदर डालो, अमाउंट लाते जाओ। इसके अलावा क्वेश्चन में कोई और डाउट लग रहा है तो मुझे बताओ, कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको लग रहा है हमें डिस्कस करना चाहिए, हम बात करेंगे।
नहीं बोलेंगे, पक्का कोई डाउट नहीं किसी का भी। हाँ जी नमन, सबको क्लियर है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो क्या मैं क्लोज कर दूँ सारा सिस्टम? ठीक है, दैट्स इट, आज का काम यहीं ख़त्म कर देते हैं। ठीक है।